21st नवंबर की रात सितारों से भरी शाम सलमान की जिंदगी का अब तक का सबसे यादगार लम्हा नथिंग लाइक माई जट माहिया नथिंग लाइक माई मुटियारा मौका सलमान की सबसे लाडली बहन अर्पिता खान की वेडिंग रिसेप्शन का पार्टी में एक के बाद एक सितारों का पहुंचना जारी था सलमान की दबंग गर्ल सोनाक्षी भी आई सलमान के साथ सोनाक्षी ने पार्टी में सेल्फी भी क्लिक की और उसे ट्वीट भी कर दिया लेकिन अगले ही पल बदल गया सारा नजारा जी हाँ अगले ही पल सोनाक्षी ने सलमान को कुछ ऐसा कहा कि सलमान भड़क गए सलमान जोर जोर से सोनाक्षी पर चिल्लाने लगे और सोनाक्षी ने रोना शुरू कर दिया पार्टी में मौजूद सभी गेस्ट इस सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ सोना और सलमान के बीच जिससे सोनाक्षी रोने लगी रिपोर्टेडली कुछ लोगों ने सोनाक्षी को रोते रोते सलमान से ये कहते हुए भी सुना कि मैंने ऐसा कभी नहीं बोला यानी सलमान सोनाक्षी की पहले कही हुई किसी बात पर नाराज थे खैर बात बिगड़ते देख बीच बचाव करने आई दोनों की कॉमन फ्रेंड अश्विनी यादी जिसने सोना और सलमान को डांस फ्लोर पर भेज दिया लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज सलमान और सोना की नोक झोंक वहां भी खत्म नहीं हुई रिपोर्टेडली अर्पिता की वेडिंग रिसेप्शन में हुए इस तमाशे की वजह बताया जा रहा है सोनाक्षी का अरबाज खान प्रोडक्शन की फिल्म डॉली की डोली में काम करने से इनकार कर देना जिसने अरबाज के साथ साथ सलमान को भी अपसेट कर दिया था बाद में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म प्रेम रतन धन पायो में भी सोना को सलमान की ऑपोजिट कास्ट करने के लिए कंसीडर किया गया लेकिन यहाँ भी किसी वजह से बात बन नहीं पाई और ये दोनों फिल्में सोनम के खाते में चली गईं। इंटरेस्टिंगली एक इंग्लिश डेली में इस खबर के प्रिंट होने से जब सोनाक्षी और सलमान के बीच का झगड़ा पूरी दुनिया के सामने आ गया तो सोनाक्षी ने इस खबर पर ट्वीट करते हुए इसे पूरी तरह फिक्शन करार दे दिया ये फिक्शन है या सच्चाई लेकिन इतना जरूर है कि फिल्म इंडस्ट्री में कब किसके तेवर बदल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता अब हमें इंतजार है तो इस खबर पर सलमान के रिएक्शन का और शोभित जिंदल जिंग मुंबई